खुद को किसी से कम ना समझना। चलो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि हम जो कंडीशन में पैदा हुए हैं वो कंडीशन ही ऐसी है कि जिसमें हम अपने आप को कम समझते हैं। हमारे आसपास के लोग ही वैसे हैं कि जो अपने ऊपर बड़ी मार करते रहते हैं, मतलब बार 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 हैमरिंग करते कि तू छोटा है, तू गधा है, तुझे अक्कल नहीं है, तू समझता नहीं है, तू ये मत कर, तू वो मत कर। वो वातावरण में, वो कंडीशन में पैदा हुए हैं। फिर हम वो भी कंडीशन में पैदा हुए हैं कि हम देखते हैं लोगों को कि भाई वो कंसिस्टेंट नहीं है, सातत्य जिसको बोलते हैं, कि जो एक बार पकड़ लिया तो वो करेंगे नहीं। जैसे हमारा एक दोस्त है, उसका जिम है, उसका 3000 रुपए महीना वो लेता है, मतलब साल के 36000 हो जाते हैं, पर एक साल का पेमेंट किया तो साल का पेमेंट वो 12000 रुपए ही लेता है। उसको पूछा भाई ऐसा क्यों करा नुकसान तू, पूरे नुकसान काहे का कर रहा है। बोले हमारे यहाँ जो लोग एक साल का पेमेंट देते 12000 रुपए वो हार्डली एक महीना या डेढ़ महीने ही आते, वो आते कहाँ है, हमको तो 12000 मिल जाते हैं। क्योंकि आदमी का जो नेचर है वो ऐसा है कि थोड़ा करेगा और बाद में छोड़ देगा, कंसिस्टेंट नहीं है। देखो ना, हम देखते हैं कि हम पोस्टपोन करेंगे, नहीं बाद में करेंगे, अभी पैसे नहीं भरे, अभी पैसे भरे तो ठीक है, बाद में जिम में जाएंगे। देखो साधा अपने आपको बोलना है कि भाई आई लव यू बोलना है, किसको, पत्नी को बोलना है, अपने बेटे को बोलना है, किसको भी बोलना है आई लव यू, तो वो भी बोलते नहीं बाद में बोलेंगे, बाद में कब, अच्छा समय आएगा तो बोलेंगे। देखो हमको मालूम है कि एक्सरसाइज करेंगे हम फिट रहेंगे तो बाद में एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा फ्रूट्स खाएंगे, ज्यादा सैलड खाएंगे तो तबियत अच्छी रहेंगी, तो नहीं बाद में करेंगे, अभी तो जंक फूड खाएंगे। हमको मालूम है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, तभी हम अपने आप को लोगों से कंपेयर करेंगे और अपने आप को कम समझेंगे। तो ये आदतें जो है वो आदत हमको नीचे खींचती है, नीचे लेकर जाती है। मेरा इतना ही कहना है, अपने आप को कम मत समझो, आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी आदमी नहीं है। ये दुनिया में 730 करोड़ लोग है और आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। आपके जैसा दिखने वाला, आपके जैसा इंटेलिजेंट, आपके जैसा इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, मतलब जो भी है वो आपके जैसा आदमी दूसरा ये दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बात जो है जिससे हम अपने आप को मतलब पीछे लेते हैं या असफलता हमको मिलती है, बस एक जो है वो है कि अपने आप को कम समझना। तो कृपया अपने आप को कम मत समझो, आपके जैसा दुनिया में कोई आदमी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये विश्वास, मतलब ये बिलीफ निकाल दिया कि मैं कुछ कम हूं, मेरे से होगा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझे जमने वाला है नहीं, वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, मैं इतना अकलमंद नहीं हूं, मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैं छोटा हूं, मैं काला हूं, मेरा ऐसा है वैसा है, ऐसे जो बातें जो है हम अपने आप को जो कम समझते हैं, तो चालू करने के पहले हमने आधी लड़ाई तो हार जाते हैं। तो अपने आप को कभी कम मत समझो, कंसिस्टेंट जो भी काम लिया है अपने हाथ में वो पूरा करो, और कभी किसी से कंपेयर मत करो। आप ये दुनिया में यूनिक है, अकेले है, जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो भी संभव आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए वो कर सकते हैं, और वो करो और देखो जिंदगी में आपको कुछ भी संभव होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।